जय स्वामीनारायण दोस्तों, आप सबने सुना ही होगा कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है वो वायरलेस है, ये जो मेरा मोबाइल है वो वायरलेस है, ये जो हमारे पुराने लैंडलाइन फ़ोन आते थे वो वायरलेस है, मतलब कि कोर्डलेस है, ऐसा हम सब कुछ बोलते हैं। हमारे पास ये रिमोट कंट्रोल वाली कार है तो वो वायरलेस है, हमारे पास ये टीवी का रिमोट जो है वो वायरलेस है, ऐसा बहुत कुछ हमने सुना है। लेकिन एक जो चीज़ है इसके अंदर अभी हमें इतना सारा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है टेक्नोलॉजी के अंदर। वो क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे अगर हमें ट्रांसफ़र करना है वायरलेसली, तो वो अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर सकते वायरलेसली। तो आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक जो कंपनी है उसने जो ये जो डेवलपमेंट है वो शुरू कर दिया है, तो उसका नाम है विट्रिसिटी। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि विट्रिसिटी क्या है। तो मेरा नाम है हार्दिक, आप देख रहे हैं एचपी स्टेकन में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाए बेल आइकन को हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो विट्रिसिटी जो नाम है उसको आपके नाम पर से ही पता चल जाता है कि उसका मतलब होता है वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो विट्रिसिटी है वो एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया की है, और वो जो है वो इसी के ऊपर डेवलपमेंट कर रही है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम वायरलेसली कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो अभी आप लोग कहोगे कि हम अभी वायरलेसली हमारा जो फ़ोन होता है उसको चार्जिंग कर सकते हैं, उसमें कहीं पर भी हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी भी जगह पे हम वायर का जो प्लगइन है वो प्लग नहीं लगा रहे, और तो भी हमारा जो फ़ोन होता है वो चार्ज होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि आपका वो जो पेड है, चार्जिंग पेड जो मोबाइल का आप चार्जिंग के लिए यूज़ करते हो, जो मोबाइल को भी आप चार्जिंग के लिए यूज़ करते हो, वो जो आपका चार्जिंग पेड है उसको आपको पहले तो केबल से कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में आपका जो फ़ोन होता है वो आप उसके ऊपर अगर रखते हो तो वो श्योर वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है कि आपको उसके ऊपर प्रॉपरली रखना है, उसके ऊपर प्रॉपरली अलाइनमेंट करना है, और उसके बाद में ही वो फ़ोन उसके ऊपर रखने के बाद चार्ज होएगा। लेकिन जैसे आप वो जो आपका फ़ोन है वो हटाओगे चार्जिंग पेड के ऊपर से, तो ऑटोमेटिकली फिर वो चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब कि एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ओमिट होता है और दूसरी जगह पे वो रिसीव होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर वर्क होगा कि हमारा जो भी एक इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया हुआ है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ओमिट होगा, और उसके बाद में वहाँ जो सामने जो ट्रांसफॉर्मर लगा होगा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो उसको रिसीव कर लेगा, और उसके बाद में हमारा वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो या चालू हो जाएगा या फिर अगर उसको मोबाइल है तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हमारा अगर एयर कंडीशनर है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, वो सब जो चीज़ है वो उससे ऑपरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो भी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये जो फैसिलिटी है वो हमारे हाथ में कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि विट्रिसिटी, पहले मैंने आपको बताया कि विट्रिसिटी जो है वो एक कंपनी है और वो इसी के ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, और उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए भी है जो अभी वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और उसके साथ में मैं आपको और भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे कि टोयोटा है, इंटेल है, उन सब ने ये जो चीज़ है उसके लाइसेंस अभी पहले से ही ले लिए है। तो अभी आप सोचो कि आप घर के अंदर जब भी एंट्री ले रहे हो और उसके बाद में आपको अगर कोई भी चीज़ को चालू करना है तो उसको पावर ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको केबल देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे, उसको कहीं पर भी प्लग इन प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्लग करने की ज़रूरत नहीं, आप खाली सीधा प्ले कर सकते हो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट टीवी है आपका तो उसको आपको कहीं पर भी कोई भी केबल के थ्रू उसको पावर या इलेक्ट्रिसिटी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में बहुत ही जल्दी आएगी, और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये जो वेव्स है इसके, जो इलेक्ट्रिक वेव्स, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा एक बड़ा घर है तो उसके अंदर अगर हमने एक ऐसा इक्विपमेंट लगाया हुआ है तो वो जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट के अंदर क्या होगा कि ये जो इक्विपमेंट हमने हमारे घर के एक कोने में लगाया हुआ है, तो हमारे घर में अगर 4-5 बेडरूम है, उसके बाद में एक हमारा हॉल है, किचन है, अगर कोई चिल्ड्रन प्ले एरिया है, ऐसा कुछ भी है, तो हमें सभी जगह पे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट हमने अगर लगा दिया उसकी रेंज में अगर जो कुछ भी कवर होता है वो आ जाएगा, क्योंकि ये जो इसके वेव्स है वो ग्लास के थ्रू या किसी वॉल के थ्रू या एक्रेलिक या मार्बल या पत्थर के थ्रू ये ऑटोमेटिकली ईजिली आर पार हो सकते हैं। ये इसको मेटल जो होती है, मेटल का अगर कोई भी इक्विपमेंट है या फिर हमारे घर के अंदर कोई भी वॉल मेटल की है तो वो इसके आर पार नहीं जा सकते, वो एक इसकी लिमिटेशन है। बाकी अगर कुछ भी है तो वो उसके आर पार चले जाएंगे। और एक चीज़ कि अगर इसकी रेंज कम पड़ रही है तो जैसे हम वाईफाई के अंदर रिपीटर्स लगाते हैं उसी तरीके के रिपीटर्स इसमें भी लगा सकते हैं,
और जो टोयोटा जैसी कंपनी है इसने तो इसका ट्रायल भी शुरू कर लिया है कि आपकी जो कार है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मतलब चार्जिंग वाली जो आपकी कार है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि अभी उसका जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कार अगर आपके पार्किंग में कहीं पर भी रखते हो तो उसके नीचे एक वायरलेस पेड लगा होगा चार्जिंग के लिए, उसके ऊपर आपको खाली बस अपनी कार रखनी है और वो ऑटोमेटिकली चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको कहीं पर भी प्लग लगाने की जरूरत नहीं है और चार्जिंग शुरू करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी कार वो पेड़ के ऊपर ले जाके छोड़ दोगे तो उसके बाद में वो चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप घर के अंदर कहीं पर भी लैपटॉप लेकर बैठे हुए हो तो आपको लैपटॉप को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप जो उसके कवरेज के अंदर आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कोई भी आपके घर के अंदर इक्विपमेंट है जिसको आप ऐसे ही पावर ऑन करना चाहते हो कि उसको आप प्लग इन करना नहीं चाहते हो, तो ऐसा कोई भी इक्विपमेंट आप सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना चाहते हो वो इंस्ट्रूमेंट आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। और अगर आपको हमारा ये जो वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो रोज़ मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।